हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस प्रेजेंट टाइम में, वो कैसा फील कर रहे हैं। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होगी और ये बिल्कुल टाइमलेस है और ये एक शॉर्ट रीडिंग होती है। अगर आप नए हैं, जस्ट टू लेट यू नो, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, Knight of Cups, the Moon, the Sun. Wow, the Sun and the Moon, Divine Masculine, Divine Feminine, Twin Flame, Soulmate Energy, Eight of Pentacles, Five of Swords, and Four of Wands. Wow, Mazid, Twin Flame Energy. And bottom of the deck, we have the Fool. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये ओवरऑल एनर्जी है द फूल की, रिस्क लेना चाहते हैं आपके पर्सन, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, अब डरते नहीं हैं। मे बी पहले वो डरते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, ओपन अप होने से डरते थे, कनेक्शन की इंटेंसिटी से डरते थे, वट एवर द केस इज़, जिस भी चीज़ से वो डरते थे, जो भी कन्फ्यूजन थी, वो ख़त्म होने वाली है। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन बड़े कन्फ्लिक्टेड थे अपने दिमाग में, वो नहीं समझ पा रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि आपसे अपनी फीलिंग्स डिस्कस करें या ना करें, बट फाइनली उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में नहीं रख सकते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद आपके पर्सन को ये मालूम हुआ है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, उन्हें महसूस हुआ है कि आप उन्हें कितना खुश करते हैं। सो द सन कार्ड, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जॉय है, अबंडेंस है। सो आपके साथ जो फीलिंग उन्हें आई हमेशा मिलकर, वो कभी किसी के साथ उन्होंने फील नहीं किया। सो ये एक डिफरेंट यूनिक कनेक्शन रहा है हमेशा से, और वो इस कनेक्शन पर सीरियसली काम करना चाहते हैं, वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में और वो इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि आप रोज़ यही कहती हैं। सो कार्ड्स आपके सामने हैं, जो कार्ड्स में आएगा डेफिनेटली मैंने आपको वही बताना है। सो आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, वो आपके साथ फैमिली फैंटसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में ख्वाब सजाते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं आपको। आपके पर्सन भी एक बहुत ड्रीमी इंसान लग रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोगों की भी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, बट आपको वो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं और ना जानते हुए भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं वो मैनिफेस्ट होती है। सो अगर आपको आजकल फील हो रही है इंटेंस एनर्जी अपने पर्सन को, अगर आप आजकल बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो भी आपको फील करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, पिक्चर एक बनाते हैं अपने जहन में, सोचते हैं, और जब आपको सोचते हैं तो वो उस इमेजिनेशन में गुम हो जाते हैं और फिर वो बहुत आगे तक का सोचते हैं, यानी फैमिली तक का सोचते हैं कि हमारा घर कैसा होगा, हमारे बच्चे कैसे होंगे। सो बहुत ही स्वीट वाइब्स हैं, बहुत स्वीट एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन बहुत रोमांटिक इंसान हैं, ये भी महसूस हो रहा है। सो डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं आपसे, उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है, बहुत रोमांटिक हैं ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। सो आई फील के बहुत ज़्यादा इनकी नेचर एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्शन ये नहीं लेते, बिकॉज ये इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं कि क्या है उनके दिल में। सो ये एक प्रॉब्लम शायद आप लोगों के दरमियान हमेशा रहा कि उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट वो एक्सप्रेस अब करना चाहते हैं, उन्हें अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। आई फील विद द फूल कार्ड, वो अब आपके साथ आगे बढ़ेंगे, वो बताएंगे आपको कि कैसा वो आपके बारे में फ़ील करते हैं। सो डेफिनेटली अभी वो बिल्कुल अपनी फीलिंग्स में ट्यून इन हैं, आपके पर्सन बिल्कुल कनेक्टेड हैं अपनी फीलिंग्स से, ऐसा नहीं है कि वो क्लोज्ड ऑफ हैं, बड़े कनेक्टेड हैं, दे नो कि वो आपसे प्यार करते हैं, अब बस वो राइट टाइम का इंतज़ार करें जब वो आपसे कन्फेस करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि उनका कन्फेशन बहुत ही अच्छा होगा जब वो आपसे कन्फेस करेंगे, वो कन्फेशन जो है वो बड़ा ही आप कह लीजिए कि स्पेशल अंदाज में करेंगे, कुछ शायद वो बहुत स्पेशल क्रिएट करें पूरा माहौल और फिर आपको बताएं कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं।
सो ये आपने इमेजिन करना है कि कैसा माहौल होना चाहिए. आप विजुलाइज कीजिएगा कि कैसे आप कन्फेशन चाहते हैं और फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे डेफिनेटली. सो ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट थी. कुछ भी आपको पसंद आया आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू लॉट्स. बाय बाय.